हेलो गाइस, हाउ आर यू? ऑल गुड, आई होप आप सारे ठीक होंगे। तो आज जैसे कि है 5 सितंबर और आज टीचर्स डे है, सबसे पहले तो मैं आपको बोलना चाहूँगा हैप्पी टीचर्स डे। और अगर आपने मेरी गिव अवे वाली वीडियो देखी होगी, उसमें मैंने बोला था कि मैं 5 सितंबर को विनर अनाउंस करूँगा। तो आज हम इसी वीडियो में अपना विनर भी अनाउंस करेंगे। जिसने भी उसमें पार्टिसिपेट किया है, सबको बेस्ट ऑफ लक। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ बातें करना चाहूँगा। जैसे कि हमारा जो कोच होता है स्पोर्ट्स में, हमारे कोच होते हैं वो टीचर ही होते हैं हमारे, तो वो बहुत ध्यान से सिलेक्ट करना होता है। मैंने कई पेरेंट्स को देखा है, वो बोलते हैं कोचिस को कि हमसे जितने मर्जी पैसे ले लो, बस हमारा बच्चा ओलंपिक खेलना चाहिए। तो ऐसे तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यही तो हमारी शूटिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि यहाँ पर सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, कोई पैसे से आगे नहीं जा सकता। इसी वजह से हमारे शूटिंग में ज़्यादा मेडल्स आते हैं ओलंपिक्स में, सभी इंटरनेशनल में, क्योंकि यहाँ पे जो डिज़र्व करता है वही आगे टीम में जाता है। यहाँ पे आप पैसे से नहीं खेल सकते, पैसे से हो सकता है दूसरी गेमों में हो, पर शूटिंग में ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आप ये तो बिल्कुल ना बोलें कि मेरे बच्चे को ओलंपिक खिला दो, पैसा जितना मर्जी मेरा लग जाए, क्योंकि हमारे से बहुत ज़्यादा पैसे वाले भी लोग बैठे हैं। अगर ऐसा हो तो वो अपने बच्चों को खिला दें। तो ये आप जो दिमाग में से मिथ है जरूर निकालें। और अगली बात, मैंने देखा है पेरेंट्स को वो क्या करते हैं, जिस कोच के पास एक स्टूडेंट है जिसने मतलब अच्छा इंटरनेशनल मेडल ले लिया, तो उस क्या है ना, पेरेंट्स उनको बोलते हैं हमारे बच्चे को कोचिंग दो, ट्रेनिंग करवाओ, ये करवाओ। आप ये तो देखते नहीं, उसकी रेंज में 100 बच्चे हैं, उसमें से एक ने मेडल लिया है, उसके पीछे 99 बैठे हैं। अगर कोच में ही कुछ ऐसा हो तो वो सबको ना मेडल दिलाए, उसमें से एक क्यों ले रहा है? तो आप ये चीज़ें भी अपने दिमाग से सोचो कि कोच सब कुछ नहीं कर सकता, और जिसका मेडल आया उसने खुद ने मेहनत की है, खुद ने पूरा ध्यान से सब कुछ फॉलो किया है, फिर उसका मेडल आया है। कोच किसी को कुछ नहीं मतलब पानी में क्या बोलते हैं ना, घोल के पिला सकता। वो मेहनत आपको खुद करनी होती है, कोच एक मतलब बेसिक्स आपको बता सकते हैं। तो कई कोचेस भी हैं, मैं मतलब किसी का नाम तो नहीं लूँगा क्योंकि मेरा किसी से पर्सनल दुश्मनी तो है नहीं। ये है कि कोचिस ने कईयों ने मतलब बिजनेस चला रखा है, उन्होंने कभी खुद ने शूटिंग नहीं की, मतलब की तो थोड़ी बहुत की, तो कोचिंग लाइन में है, तो बिल्कुल मुझे खुद को अच्छा नहीं लगता। यहाँ पे मैं गलत भी हो सकता हूँ क्योंकि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। इस बात पे आप अग्री भी कर सकते हो, डिसअग्री भी कर सकते हो, क्योंकि सबका अपना अपना पर्सनल ओपिनियन होता है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे अपनी जर्नी में काफ़ी ऐसे लोग मिले। अगर आपने मेरी शूटिंग जर्नी वाली वीडियो देखी होगी, अगर नहीं देखी तो मैं ऊपर आई बटन में पिन कर दूंगा। वहाँ पे मुझे भी अपनी शूटिंग जर्नी में कुछ लोगों के द्वारा मिसगाइड किया गया। तो मेरा सोचना ये है कि मेरे जैसे किसी और के साथ ये ना हो, किसी बच्चे का, किसी शूटर का टाइम ख़राब ना हो, घर वालों का पैसा ना वेस्ट हो। तो आप पूरा सर्च करके ना कोच सेलेक्ट करें। जैसे कि मैं और अमन भाई एक बारी बात कर रहे थे वीडियो में, अगर आपने देखा होगा, कि जहाज़ उड़ाने वाली बुक पढ़ के ना कोई जहाज उड़ाना नहीं सिखा सकता। उसके लिए वो खुद जहाज उड़ाना जानता हो, कॉकपिट में जाके बैठा हो। ऐसे ही है, जिसने शूटिंग सिखानी है वो खुद ना कंपटीशन खेला हो, उसको एक्सपीरियंस हो कि जब हम लेन पे खड़े होते हैं, फायरिंग पॉइंट पे खड़े होते हैं, तो अंदर क्या चलता है। क्योंकि मैं बोल दूंगा मैंने कुछ किया नहीं, मैं बोल दूंगा ऐसे करके साइड देखो चला दो, ये तो सबको पता है। अंदर जो फीलिंग्स होती हैं, एक्सपीरियंस होता है मेन, वो मैटर करता है। तो आपने ऐसे कोचेज ढूंढने हैं, ये नहीं कि उसके पास ओलंपिक मेडल हो, कोई भी वर्ल्ड कप मेडल हो, उसके पास अच्छा एक्सपीरियंस हो, ताकि वो आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सके, आपको मतलब मोटिवेट कर सके। तो ये मैं आपको कहना चाहूँगा, तो आप ये बातें ज़रूर ध्यान से सुने। और एक एग्ज़ाम्पल भी आपको देता हूँ मैं, मेरा एक काफ़ी अच्छा फ्रेंड है, तो उसी ने मुझे बताया, उसने अपने मतलब 2-3 साल शायद ऐसे ही एक कोच के पास ख़राब कर लिए। अगर आप प्रोन शूटर हो गए, आपको प्रोन इवेंट के बारे में पता होगा, तो मुझे तो नहीं पता राइफल इवेंट के बारे में, मुझे उसी ने बताया कि उसमें ना प्रोन इवेंट में ना हमें मतलब जो राइफ़ल है वो नीचे से ऊपर एम करना होता है, मतलब नीचे से ऊपर लेके जानी होती है। पर उसको क्या सिखाया जा रहा था, 2-3 साल से वो कैसे चला रहा था, ऊपर से नीचे आ रहा था। तो जब वो नेशनल कैंप में आया, तभी उसको जो नेशनल टीम के हमारे कोचिस हैं वो मिले, उन्होंने उसे बताया कि यार कि ये तो गलत कर रहा है, कि ऐसे तो मतलब तेरा परफॉर्मेंस है और बढ़िया नहीं हो पाएगी।
तूने नीचे से ऊपर जाना है, फिर उसको पता चला कि ये टेक्निक इसकी ये है। तो यही है कि आपके साथ ऐसा ना हो तो आप ज़रूर ध्यान दें कि आपका कोच कौन है, क्या उसके पास एक्सपीरियंस है, क्या उसने किया है, तो ये आप ज़रूर नोट करें। टाइम आ गया हमारे विनर अनाउंस करने का, हम जाते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे, वहाँ पे रैंडमली एक विनर चूज़ करेंगे। सो लेट्स गो। सबसे पहले हम जाएंगे यूट्यूब रैंडम कमेंट पिकर पे, ये वेबसाइट है, तो हमने यहाँ पे अपनी वीडियो का लिंक पेस्ट करना है, तो हमें रैंडमली एक विनर चूज़ करके दे देंगे। अभी हम कर लेते हैं अपनी लिंक कॉपी, कॉपी हो गया, तो इधर हमने करना है पेस्ट, लिंक पेस्ट हो गया, तो फिल्टर डुप्लीकेट यूज़र्स, एंड सबसे पहले 7 + 2 = 9, गेट यूट्यूब कमेंट्स, कर देना है हमने अभी स्टार्ट। यहाँ पे हमें अपना विनर मिल जाएगा, मोहित पिस्टल शूटर, ये हैं हमारे आज के विनर, झारखंड से हैं हमारे आज के विनर। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द विनर। अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हो तो आपको नीचे हमारी ईमेल आईडी दिख रही होगी, तो आप वहाँ पे हमें कॉन्टैक्ट करें, हम आपको एक 100% ऑफ वाला डिस्काउंट कूपन भेज देंगे। आप हमारी वेबसाइट पे जाके कोई भी आपको अगर प्रोडक्ट अच्छा लगता है तो आप वहाँ पे वो कूपन कोड यूज़ करके आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपके घर पे प्रोडक्ट आ जाएगा। सो जिसको नहीं मिला, जो विनर नहीं बन पाए, अरे आगे जो गिव अवेज आएंगे, कोई नहीं, आप करते रहो पार्टिसिपेट, आपको किसी न किसी दिन तो मिल ही जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, बाय।